कल से सीएए पर भाजपा का देशव्यापी जन जागरण अभियान। कई दिग्गज भाजपा नेता करेंगे गुड़गांव, रेवाड़ी, फरीदाबाद और पलवल से इस अभियान का आगाज। पाकिस्तान में ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर हुए हिंसक प्रदर्शन की भारत ने की कड़े शब्दों में निंदा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएए तथा एनपीआर पर विपक्षी पार्टियों को लिया आड़े हाथों, बोले उनका उद्देश्य केवल अपनी राजनीति चमकाना है। और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा बजट सत्र तक प्राइवेट क्षेत्र में हरियाणा के मूल निवासियों को मिल सकता है 75% आरक्षण। नमस्कार, मैं रूपम अहलावत, अब समाचार विस्तार से। सिरसा में प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि नागरिकता संशोधन बिल पर 5 जनवरी से जन जागरण अभियान प्रदेश भर में शुरू किया जाएगा। इस अभियान के तहत नागरिकता संशोधन कानून के बारे में जिला स्तर पर पहुंचकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसको लेकर जिला स्तर पर रैलियां करते हुए गणमान्य व्यक्तियों के माध्यम से जनता को इस कानून के फायदों के बारे में अवगत करवाया जाएगा। बराला ने कहा कि विपक्षी पार्टियां वोट की राजनीति के चलते नागरिकता संशोधन बिल का विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। ताज़ा उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ननकाना साहिब में गुरुद्वारे पर पत्थरबाजी किया जाना, सिख समुदाय के लोगों को बंधक बनाना और सिख लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाकर मुस्लिम समुदाय में विवाह करवाना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रताड़ना झेल रहे अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का बिल नागरिकता संशोधन कानून है। हम लोगों ने जहां बड़े नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, 30 दिसंबर को वैसे एक सोशल मीडिया के अभियान भी चला था, लेकिन कल से हम फील्ड में उसको लेकर के जा रहे हैं। छोटे छोटे कार्यक्रम करके और घर घर जा करके लोगों को इस एक्ट के बारे में बताना कि वास्तव में एक्ट क्या है। उसके बाद अगले सप्ताह में जिला स्तर पे रैलियों का आयोजन करना, मार्च का आयोजन करना, ऐसे सब तरह के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने हाथ में लिए हैं और कल से इस जन जागरण अभियान की शुरुआत होगी। भारत ने पाकिस्तान में ननकाना साहिब गुरुद्वारे में हुए हिंसक प्रदर्शन की कड़ी निंदा की। भारत ने पाकिस्तान सरकार से सिख समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के तत्काल कदम उठाने को भी कहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ननकाना साहिब गुरुद्वारे में कल हुई घटना को लेकर चिंतित है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि पवित्र गुरुद्वारे का अपमान और अल्पसंख्यक सिख समुदाय पर हमले में शामिल उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। भारत ने पाकिस्तान से ननकाना साहिब गुरुद्वारे और इसके आसपास गरिमा बनाए रखने के लिए सभी उपाय करने को कहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी पाकिस्तान में ननकाना साहिब पर हुए हमले की निंदा की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार की हम कड़ी निंदा करते हैं। झूठा वीडियो फैलाकर भारत को बदनाम करने के बजाय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने देश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म को देखें और जिम्मेदारी लेते हुए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। अगेंस्ट द होलीएस्ट ऑफ द होली सिख श्राइन्स, गुरुद्वारा ननकाना साहिब जी। And you know, those who have taken a stand on the Citizenship Amendment Act clearly either do not realize what they are saying or this is deliberate misleading and I think treachery. I mean, if any proof were needed about the state of the minorities in Pakistan, this incident after the Friday prayers yesterday provides that proof. And this fear mongering which is going on, it is not as if anyone's rights in India are being snatched away. It is just that those people who came to India to fleeing the persecution
in Pakistan prior to 31st December 2014 will be able to reclaim their rights. The Sikhs, the Buddhists, Jains, they have been persecuted in Pakistan. And yesterday, we have a clear incident of that. Now for them to turn around and saying this is against secularism, I don't know what they're talking about. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर देश की एकता व अखंडता की सुरक्षा को बचाए रखने के लिए ही हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल इन मुद्दों पर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट संदेश में लिखा कि CAA तथा NPR के बारे में देश को भ्रमित करके दंगा करवाने वाले विपक्षी पार्टियों के लोग पड़ोसी मुल्कों में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर आखिर मौन क्यों हो जाते हैं। इन्हें अल्पसंख्यकों से कोई मतलब नहीं है। इनका इरादा स्पष्ट है, देश जलाओ, अपनी राजनीति चमकाओ। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता बधाई की पात्र हैं कि विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के बावजूद उन्होंने इस मुद्दे पर सकारात्मक रवैया अख्तियार किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने इस विषय को बड़ी समझदारी के साथ लिया है और राज्य में कहीं से भी किसी प्रकार की भ्रांति, अशांति अथवा हिंसा की एक आवाज तक नहीं आई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोगों में देशभक्ति व राष्ट्रहित पहले से ही रग रग में बसा हुआ है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज जिला कोर्ट के मुख्य द्वार का उद्घाटन करने के लिए भिवानी पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश की अदालतों में फैसले हिंदी में लिखे जाएंगे। ऐसा फैसला कर कैबिनेट ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने बुजुर्गों को सम्मान देने के उद्देश्य से उनकी पेंशन में 250 रुपये की बढ़ोतरी की है। इससे प्रदेश के 28 लाख बुजुर्गों को इसका लाभ होगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजीकृत कामगार मजदूरों की पेंशन में भी 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश के प्राइवेट क्षेत्र की नौकरियों में 75% रोजगार हरियाणा के नागरिकों को दिए जाने के प्रश्न पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस संबंध में बिल ड्राफ्ट किया जा रहा है और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े लोगों की राय भी ली जा रही है। अगले महीने फरवरी में होने वाले बजट सत्र में इस पर अंतिम मुहर लगा दी जाएगी। ऐतिहासिक निर्णय कि हरियाणा प्रदेश के अंदर सबॉर्डिनेट जुडिशरी के अंदर पूरी तौर पर अब हिंदी का प्रयोग होगा और साथ में महामहिम राष्ट्रपति से महामहिम राज्यपाल निवेदन करें कि हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के अंदर हरियाणा संबंधित तमाम मामलों में हिंदी का प्रयोग हो। कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है और हमारा तो सौभाग्य है कि हमारे जन संकल्प पत्र का ये हिस्सा था। सर्व कॉन्ट्रैक्टर संघ ने वेलफेयर एसोसिएशन पंचकूला की मदद से आवारा पशुओं को धुंध के कारण होने वाले हादसों से बचाने के लिए एक सकारात्मक पहल की है। कॉन्ट्रैक्टर संघ द्वारा सड़कों पर पाए जाने वाले पशुओं के गले में रेडियम से बने रिफ्लेक्टर पहनाए जा रहे हैं, जिससे कि सड़कों पर पशुओं की वजह से होने वाले हादसों पर रोक लगाई जा सके। सर्व कॉन्ट्रैक्टर संघ के अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि पशुओं में लगाए जाने वाली इस बेल्ट में रेडियम लगा है, जो कि खास तौर पर रात के समय गाड़ी की लाइट से चमकता है, जिससे गाड़ी चालक को आसानी से पशु दिख जाता है और रेडियम की चमक से पशु के साथ साथ गाड़ी चालक भी सेफ रहता है। रविंद्र कुमार ने बताया कि ये मुहिम पंचकूला के रामगढ़ में, पंजाब के ढकोली में, चंडीगढ़ के नया गांव के साथ जिला हिसार में शुरू की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि भविष्य में यह मुहिम अन्य जिलों में भी शुरू की जाएगी। धुंध में जो आवारा पशु होते हैं और जो चलती हुई गाड़ियों के सामने अचानक आ जाते हैं और जो दिखाई नहीं देते, ये बेल्ट उसके लिए कि लाइट पड़ने पर ये इसमें रेडियम है और वो ब्राइटनेस दिखाई देती है उसमें, तो अचानक से ड्राइवर जो है वो संभल जाता है, जिससे पशु और ड्राइवर जो गाड़ी में बैठे बाकी सदस्य हैं सभी सेफ हो जाते हैं। ये आम आदमी और पशु दोनों के लिए ही बड़ा लाभदायक है। तो हमने ये पहली मुहिम चलाई है कि धुंध के अंदर ये बेल्ट लगाने से हमें थोड़ा सेफ्टी प्राप्त होगा।
कल हरियाणा सरकार की कैबिनेट में विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर निर्णय लिया गया। हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र 20 जनवरी 2020 को प्रातः 11 बजे बुलाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए प्रदेश के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य से अनुरोध किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस सत्र की अवधि 20 से 22 जनवरी 2020 तक रहेगी। 22 जनवरी को विधानसभा सत्र में ही लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला सभी विधायकों के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करेंगे, जिसमें हरियाणा के लोकसभा व राज्यसभा के सभी 15 सांसद भी उपस्थित रहेंगे। आज विश्व ब्रेल दिवस है। आधिकारिक रूप से यह 2019 से ही मनाया जा रहा है। यह दिन दृष्टिबाधित या आंशिक रूप से दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों को मानवाधिकार प्रदान करने और संचार के माध्यम के रूप में ब्रेल लिपि के बारे में जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है। ब्रेल लिपि के 6 बिंदुओं के माध्यम से ही दृष्टिबाधित दिव्यांगजन पूरे संसार को टटोल लेते हैं। उनकी हाथों की उंगलियाँ इन 6 बिंदुओं के सहारे से संगीत, साहित्य, कला, गणित, विज्ञान की दुनिया को महसूस कर पाती है। फ्रांस के लुई ब्रेल ने इस लिपि का विकास किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के मुताबिक 3,60,00,000 लोग दृष्टिबाधित हैं और 21,60,00,000 लोग आंशिक रूप से दृष्टिबाधित हैं। 28वां विश्व पुस्तक मेला आज से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो गया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मेले का उद्घाटन किया। नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा आयोजित पुस्तक मेला 12 जनवरी तक चलेगा। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मेले का मुख्य विषय गांधी लेखकों के लेखक रखा गया है। पुस्तक मेला रोजाना सुबह 11 से 8 बजे तक खुला रहेगा। विश्व पुस्तक मेले के उद्घाटन के अवसर पर मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि आज के समय में पूरी दुनिया आतंकवाद से पीड़ित है, ऐसे में लोगों को गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलने की जरूरत है। अहिंसा, ये तीन ही व्यक्ति के पास है। जिस व्यक्ति के पास, जिस समाज के पास, जिस राष्ट्र के पास न प्रेम है और न उसमें समर्पण है, त्याग है, तो वो इंसान, वो समाज और राष्ट्र रहते हुए भी पत्थर के समान है। पूरी दुनिया में एक और आतंकवाद की घटनाएं घट रही हो, दूसरे में आपसी सामंजस्य को हट करके लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की दूरी पर खड़े हो गए हों, ऐसे ही वक्त पर गांधी जी पूरी दुनिया को याद आते हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कल से सीएए पर भाजपा का देशव्यापी जन जागरण अभियान। कई दिग्गज भाजपा नेता करेंगे गुड़गांव, रेवाड़ी, फरीदाबाद और पलवल से इस अभियान का आगाज। पाकिस्तान में ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर हुए हिंसक प्रदर्शन की भारत ने की कड़े शब्दों में निंदा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएए तथा एनपीआर पर विपक्षी पार्टियों को लिया आड़े हाथों, बोले उनका उद्देश्य केवल अपनी राजनीति चमकाना है। और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा बजट सत्र तक प्राइवेट क्षेत्र में हरियाणा के मूल निवासियों को मिल सकता है 75% आरक्षण। समाचारों में आज इतना ही, नमस्कार।